हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हो थिंग्स इन फाइन, वेलकम टू डोंट डॉक्टर वंस अगेन। जैसे आप बेटा इस वीडियो में जैसे आप बेटा पढ़ लिया होगा, काफी ज्यादा डिमांड आ रही है इस क्वेश्चन की कि हमारा फोन हम यूज करते हैं, बीच में फ्रीज हो जाता है, या कई बार आप बैठे अपने आप रिस्टार्ट हो जाता है या अपने आप ऑफ हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम का बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे थे, तो उसका मैं आज सोल्यूशन लेकर आया हूँ आपके लिए। अगर आपके m30s है या कोई भी एंड्रॉयड फोन है, यानी एंड्रॉयड फोन, उस पर ये लागू होते हैं स्टेप्स, तो आप डेफिनेटली पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर आप नए चैनल पे तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे हम लेके आते हैं ड्रोन सेफ्टी इन्फॉर्मेशन एंड टेक जो मैं यूज करता हूँ, और कभी कभी इस पे हम टिप्स भी देते हैं एज ए डॉक्टर। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स डू इट। और तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम काफी देखी गई है, और ये प्रॉब्लम आती है थोड़े दिनों के बाद। अगर आपके फोन में अभी खरीदा है, महीने में ही प्रॉब्लम आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि आपका बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ है फ़ोन का, तो वो ध्यान में रखें बात। ये तो है पॉइंट वन कि ये प्रॉब्लम कब शुरू होती है। मोस्टली जो देखा गया है, जब आपके फ़ोन में काफ़ी मतलब आपने यूज़ कर लिया है, तो काफ़ी फ़ोटोज़ आप क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले आपने क्या चेक करना है? सबसे पहले इस चीज़ के होने का कारण है आपकी स्टोरेज की कमी। ये आपने जाके चेक करना है कि आपके फ़ोन में कितनी स्टोरेज है, कितनी कैपेसिटी है, और आपने कितनी यूज कर ली है। रैम क्या है आपके फोन की, आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी फ्री रह गई है। रैम जो है आपके फोन की, कम से कम 50% फ्री रहनी चाहिए इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए। और आपकी जो स्टोरेज है, कम से कम 10% स्टोरेज आप, अगर आपकी सपोज 100 GB कैपेसिटी है, तो 90 GB आप भर सकते हैं, 10 GB आपको फ्री रखना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से हिसाब लगा लें, जितना भी आपका 32 GB 64 GB जो भी है, उसके हिसाब से आप लिख लें। अब एक वीडियो जल्द आने वाला है कैसे आप अपनी स्टोरेज को मैनेज करें, जरूर एक नया प्रोडक्ट आएगा उस साथ में करने वाला हूँ, जिसको ये प्रॉब्लम है। एक मेरे सब्सक्राइबर है, उनकी डिमांड थी, मेरे को वो याद है, कल या परसों मैं वो वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ, और जल्द आपकी डिमांड पूरी होने वाली है। इस तरह से कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है, इसमें आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है डेफिनेटली, और उस डिमांड को देखते हुए उस प्रॉब्लम की मैं वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे यूज करें, अपने जो प्रॉब्लम है वो लिखें, तो जितनी ज्यादा उसकी डिमांड होगी, उसके बेसिस पे मैं डेफिनेटली वीडियो बनाता हूँ, तो वो आने वाला है जरूर। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, बिकॉज लाइक करेंगे तो रीच बढ़ती है वीडियो की, ठीक है। तो पहला मैंने पॉइंट आपको क्लियर कर दिया, सबसे पहले आपने देखना है स्टोरेज। स्टोरेज में प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर स्टोरेज 10% से भी कम रह गई है, तो इसका यही कारण है, इसकी वजह से आपका फोन जो है ये प्रॉब्लम फ्रीज होना, अपने आप ऑन ऑफ हो जाना, ये हो रहा है, तो अपने फोन को छांट लीजिए। स्टोरेज कैसे मैनेज करनी है, एक प्रोडक्ट आया मेरे पास, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, वो आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपके स्टोरेज की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और कम से कम आपका 50% फोन हमेशा फ्री रहेगा उसकी मदद से। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, वो वीडियो जरूर आने वाला है एक दो दिन में आपके पास। पॉइंट टू, अब क्या होता है, कई बार आप एक्सटर्नल चीजें लगाते हैं उसके साथ, एक बैटरी वाले कवर आते हैं फोन्स के लिए, या कोई चीज आपने लगा रखा है उसके साथ, कोई डोंगल यूज करते हैं, इन चीजों से भी आपकी जो स्टोरेज है रैम पे फर्क पड़ता है, और आपकी स्टोरेज की जो एक वो रहता है ना फ्लो, उस पर कमी आती है। तो वो अगर आपके पास है तो डेफिनेटली उसको मत यूज करें, हो सकता है वो एक्सटर्नल डिवाइस लगाने की वजह से, कोई बैक कवर जो बैटरी बैकअप आपको दे रहा है उसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आती हैं। नंबर तीन, जब भी आप जैसे ये होते हैं हमारे पास क्विक चार्जिंग के लिए पोर्टेबल चार्ज, जो हम ब्रिक्स यूज करते हैं, जैसे पोर्टेबल चार्ज होते हैं ना, हर कोई रखता है बैकअप के लिए, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो कभी भी सस्ते वाला मत यूज करें, हमेशा अच्छी कंपनी के पावर बैंक्स यूज करें। मैं जो रिकमेंड करता हूं वो है एंकर। एंकर के पावर बैंक जरूर थोड़े महंगे हैं, लेकिन उससे आपके फोन के जो सर्किट्स हैं और जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं पावर बैंक के कारण, वो नहीं आएंगी। नंबर दो, अगर आपका फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो एंकर के अच्छे पावर बैंक्स आते हैं। एक मैंने जो लिया हुआ है, जो मैं यूज करता हूँ, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, हो सकेगा तो मैं कार्ड्स पे दे दूंगा, आप जाके देख लें। तो वैसे पावर बैंक्स यूज करें, तो पावर बैंक भी एक एक्सटर्नल डिवाइस के रूप में लिया जाता है, तो अगर आप कोई देसी या चीप पावर बैंक यूज कर रहे हैं तो मत यूज करें, वो भी एक कारण हो सकता है आपकी इस प्रॉब्लम का। तो एंकर का पावर बैंक ही यूज करें, और अगर पावर बैंक की इतनी जरूरत नहीं है, तो
तो प्लीज अपने जो चार्जर सप्लाई किया जाता है बॉक्स में आता है उसी से चार्ज करें। अब काफी लोग पूछ रहे हैं नेक्स्ट अपडेट कब आएगा, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। जिस इसको अपडेट का इंतजार है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अभी लिखें। तो जहां पर अपडेट की बात है, आपको अपडेट भी जरूर करते रहना है अपना फोन। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो क्या होता है कि अपडेट्स में हमारे पास कंपनी चीजें निकालती है, कई बग्स आ जाते हैं हमारे फोन में, तो अपडेट्स की हेल्प से वो निकल जाते हैं। तो जो अपडेट कर लेता है तो वो एडवांटेज में ही रहता है, तो जरूर अपडेट किया करें। कई बार ऐसा होता है आप अपडेट नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम ऑटो रिस्टार्ट फ्रीजिंग की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कंपनी को पता रहता है कि सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका वो सोल्यूशन अपडेट के रूप में आपको देते हैं ताकि आपका फोन स्मूथली चले। तो अगर आप अपडेट ही नहीं करेंगे, बिल्कुल फर्स्ट पे ही रखेंगे और आगे एडवांसेस हो जाएंगी, तब भी आपकी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं एक बार फिर से समराइज कर सकता हूँ, कर देता हूँ सारे पॉइंट्स। नंबर वन पॉइंट है स्टोरेज। स्टोरेज आपकी कम से कम 10% फ्री रहनी चाहिए। इसको मैनेज करने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, उसका आपका ही मैनेज हो जाएगा। पॉइंट वन। पॉइंट टू, आपको एक्सटर्नल डिवाइस कोई लगा रहे हैं तो उसको हटा दें, मत यूज करें, वो भी एक कारण हो सकता है आपकी इस प्रॉब्लम का। और अगर आप पावर बैंक यूज करते हैं तो उसको कंपनी का यूज करें। जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो है एंकर, जो कि मैं खुद यूज करता हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। और अगर आपको पावर बैंक की रिक्वायरमेंट नहीं है तो प्लीज यूज ही मत करें, ठीक है, जो सप्लाइड चार्जर है उससे यूज करें। और लास्ट पॉइंट है अपडेट्स, जरूर अपडेट करें जब भी आपको अपडेट अवेलेबल होती है। ये तीन चीजें अगर आप फॉलो करेंगे, ये प्रॉब्लम आपकी मिनटों में दूर हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर ये प्रॉब्लम कंटिन्यूड है तो उसका सोल्यूशन एक ही है कि आप रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग्स कर लें। इसके बावजूद भी आपकी अगर प्रॉब्लम नहीं जा रही है तो डेफिनेटली आपके फोन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तब आपको वहां पर लेके जाना पड़ेगा। तो इस तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं, होप आपको पसंद आएगा वीडियो। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें ताकि इस वीडियो की रीच दूर तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लाइकिंग वीडियो। थैंक यू।